हाँ, लगभग कंप्लीट होने जा रही है, एक दिन का और शूट बचा है। फिल्म तो हम लोगों ने पूरी बनाई यूपी में, पर दो तीन गाने जो हैं जिसमें हमको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी जो वहाँ नहीं मिल सकता था, वो गाने फिर हमको यहाँ पे आके करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हो गया, कल कंप्लीट हो जाएगी। सर, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनेश जी और प्रोड्यूसर श्रेयस श्रीवास्तव जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं केडी जी, दिनकर कपूर जी, वो एक ऐसे निर्देशक हैं जिनकी फिल्म से मेरा नाम ही पड़ गया, निरहुआ रिक्शा वाला। इन्होंने ही बनाई थी निरहुआ रिक्शा वाला, और उसके अलावा भी ड्राइवर बाबू हम लोगों ने किया था। उसके बाद बहुत सालों तक साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। सर भी बहुत अपनी फिल्मों में बिजी रहे, मैं भी अपने फिल्मों में बिजी रहा। प्रयास तो हम लोग कई बार किए, पर अब जाके संयोग बना जब हमारे श्री श्रीवास्तव जी आए और उन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके और दोनों को ही एक साथ लेके आए, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तुरंत जो है हमारी शूटिंग शुरू हो गई। सर, फिल्म के टाइटल की नाम बात की जाए, जानलेवू होगा, तो इस पे किसकी जान लेने की बात होती है? ये फिल्म में ना अक्षरा सिंह जी हैं, महिमा जी हैं, और दोनों हीरोइन के बीच में मैं ऐसा फंसा हूँ कि फाइनली मुझे ऐसा कहना पड़ जाता है कि मतलब अब जान ही ले लोगी क्या, तो इसलिए वो मूवी का नाम ही है जानलेवू का। आज सर सॉन्ग शूट हो रहा है क्या सर? हाँ, गाने का शूट हो रहा है। और सर, फैन को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, दर्शकों को? यही कहना चाहूँगा कि अब थिएटर में फिल्में लगनी शुरू हो गई हैं, जैसा कि अभी होली पे बिहार में भी फिल्म रिलीज हुई सैयां अरब गइले हमारे खेसारी भाई की, और एक मेरी फिल्म री रिलीज हुई जो पहले रिलीज हो चुकी थी, फिर से बिहार में लगी थी, उसका नाम रोमियो राजा। तो थिएटर में फिल्में लगनी शुरू हो गई हैं, तो अब जो है हमारा भी उत्साह बढ़ गया, क्योंकि जब तक लॉकडाउन था तो ऐसा लगता था कि मतलब फिल्में बना के करेंगे क्या, मतलब थिएटर में लोग आएंगे नहीं। थिएटर में चूँकि ये ऐसा मुश्किल दौर है कोरोना का कि सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, पर सावधानियों के साथ में मास्क लगा करके और एक एक सीट छोड़ करके जिस तरह से गाइडलाइन सरकार की मिली है, और उस तरह से अब फिल्में जब लगनी शुरू हो गई हैं तो हमारा भी उत्साह दुगना हो गया है फिल्मों को लेकर के, और बड़ी मेहनत के साथ में अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जानलेवू का बहुत ही शानदार फिल्म बनी है, अक्षरा सिंह जी के साथ मुझे लगता है कि दिलेर के बाद ये दूसरा मौका है जब हम लोग साथ आ पाए हैं, और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और साथ में महिमा भी हैं, तो शानदार गाने हैं, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, मतलब फुल मसाला है, फुल पैकेज है, थिएटर वाली फिल्म है, आपको थिएटर में देखने में मज़ा आएगा। जैसे कि सर कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है, मुंबई में भी देखा जाए तो लॉकडाउन लगाया गया रात का, नाइट कर्फ्यू, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्या सतर्क रहे? जी जी जी, सावधानी बरतनी तो ज़रूरी है, चूँकि हम शूटिंग पे हैं अभी तो मजबूरी है कि हम मास्क नहीं लगा सकते, पर हम जो है कोविड टेस्ट करा के ही सेट पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारे वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, और जो बाकी टीम है वो लोग अपना मास्क लगा के रखते हैं। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप जहाँ पे रहें मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, यही आप सबसे निवेदन है मेरा। धन्यवाद। जानलेवू के का के बाद अभी मैं जा रहा हूँ बांदा, तुलसीदास जी के गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने, जिस फिल्म का नाम है फसल। उसके बाद मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फसल के बाद एक फिल्म है सपना चौधरी जी के साथ, मजनू, और मजनू की शूटिंग के बाद अभी जो आर्मी की हम लोगों ने शुरुआत की थी, आर्मी फिल्म और एक और फिल्म, सुजीत जो हमारे डायरेक्टर हैं सुजीत सिंह जी, उनकी दो फिल्मों की शूटिंग करनी है,
और उसके बाद बारिश में इस बार मैंने प्लान किया है कि बरसात यहाँ ज़्यादा होती है, शूटिंग नहीं हो पाती है, तो बारिश के समय 3 महीने मैं लंदन में रहूँगा और 3 फिल्में जो है वो मैं लंदन में कर रहा हूँ। और वहाँ से लौटने के बाद एक फिल्म है फसल, अभी जो है उसका फसल नाम नहीं, उसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप, जो मैं अभी जा रहा हूँ। लौटने के बाद करूँगा फसल, और फसल के बाद एक फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत ही शानदार फिल्म, हमारे जो बिहार के थे महेंद्र मिश्र जी के बारे में जो यूपी बिहार के लोग हैं वो तो जानते ही हैं, पर एक ऐसे गायक थे, एक ऐसे कलाकार थे कि उनकी गायकी के, उनके गाने के आज भी लोग दीवाने हैं और उनके गाने को गायक लोग गाते भी हैं, और गायक के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे, देशभक्त भी थे, और किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है, जो हमारे रंजन सिंह जी बना रहे हैं, जिनके साथ मैंने विदेशिया किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। और जब भी टीवी पे आती है फिल्म और लोग देखते हैं तो इतनी सराहना करते हैं कि आज देखा, मतलब आपकी बेस्ट फिल्म लगी, तो अच्छा लगता है। फिर से हम लोगों ने, चूँकि हमारे रंजन सर बहुत व्यस्त रहते हैं टीवी में, उनको समय निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये फिल्म तो हम लोग चाहते हैं, हमारे निर्माता जो हैं वो भी चाहते हैं, मैं भी चाहता था कि रंजन सिंह सर ही करें, तो वो जो है अभी तैयार हैं और वो हम फिल्म करने जा रहे हैं। वैसे सर देखा जाए बॉलीवुड से ज़्यादा भोजपुरी, लास्ट सर देखा जाए तो बॉलीवुड से ज़्यादा अभी भोजपुरी का ज़्यादा बैक टू बैक फिल्में आ रही है, तो इसके बारे में बताओगे? उसका कारण ये है कि हमारे दर्शक भी सबसे ज़्यादा हैं, जो भोजपुरी सिनेमा है उसके दर्शक जो है आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आप किसी कंट्री में जाएंगे वहाँ भी आपको भोजपुरी के दर्शक मिल जाएंगे, तो इसलिए डिजिटल पे भी और थिएटर में भी ज़्यादा फिल्में हमारी रिलीज होती है, तो इसलिए हमको ज़्यादा बनाना भी पड़ता है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।